हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक चैनल है राइडर गर्ल विशाखा। उस चैनल में एक जो वीडियो मैंने कुछ एक टाइम पहले देखी थी, काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं बनाऊं वीडियो इसके ऊपर, लेकिन कुछ टाइम नहीं मिला। लेकिन दिल से अंदर से इच्छा हो रही थी यार, बोलना चाहिए इस चीज़ के ऊपर भी, जो उस एक वीडियो में मैंने देखा और जो वहाँ बोला गया। उनकी जो एक वीडियो आई थी, लास्ट डेस्टिनेशन कन्याकुमारी, एक ऐसी ही वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। राइडर गर्ल विशाखा जिन्हें जाके वहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट डेस्टिनेशन कन्याकुमारी वहाँ पर। तो उस जो वीडियो में मैं क्लिप नहीं दिखा सकता, वरना पता नहीं कोई कुछ भी कर दे भाई, तो इसलिए मैं कोई क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ। तो जाके आप बेशक उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो में वो एक मंदिर में जाती हैं, तो वहाँ पे उनसे वो खुद कहती हैं कि वहाँ एक जो बाहर एक आदमी खड़ा है, और आदमी जो है उनसे पैसे ले रहा है, अंदर जाने के पैसे ले रहा है। गलत चीज है, ठीक है, गलत चीज है जो उन्होंने वो कहा उनके बिहाफ पे कि भी हाँ वो पैसे ले रहा था, तो गलत चीज है वहां पे। अगली चीज उन्हें क्या बोलते हैं, वो आदमी कहता है कि इस मंदिर में जाने के लिए आपको क्या है, पूरे कपड़े पहनने होंगे, आप शॉर्ट्स में अंदर नहीं जा सकती। और जो इस लड़की के साथ जो एक लड़का था, नाम नहीं पता मुझे, उस लड़के को कहा गया कि आपको अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी अगर आपको इस मंदिर में जाना है। तो भाई इस चीज पे लड़की को गुस्सा आता है, और गुस्सा आके वो कैमरे के सामने आके थोड़ी सी एक्टिंग करती है और बोलती है कि भाई ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुझे क्या पहनना है, अब ये बताएगा मुझे कि मुझे क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है। कमाल हो गया यार चीजों का भी, मतलब कि यार एक आजादी होती है कपड़े कोई भी, मतलब कि लड़की को अगर कपड़े पे टोक देना, ठीक है, लड़की को अगर कपड़े पे किसी ने टोक दिया, एक बवाल मचाने का एक यहाँ पर एक अच्छा सा बहाना मिल जाता है, ठीक है, कि यार मुझे उसने बोल क्या दिया, मेरी आजादी। वहां पे आजादी की बात नहीं थी, वहां पे बात थी कि भाई आप वो ट्रेडिशन फॉलो करो, ठीक है, आप गुरुद्वारे में बिना सर को ढके नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, या उसके ऊपर भी सवाल उठा दो ना कि भाई मुझे तो चप्पल पहन के क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। अब तो ये चीजें होने रह गई हैं बस, और ये और कर लो बस, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यार जो हमारा जो कल्चर है ना, अब क्या बताएं यार, इसको कोई फॉलो करके खुश नहीं होता वहां पे। यार फॉलो करने के बाद यार खुद सोचो ना यार, आप एक मंदिर में जा रहे हो, वहां का एक कल्चर है, वहां के कुछ नियम है जो वो फॉलो करते हैं वो लोग यार, तो वो उस चीज को फॉलो करने में क्या दिक्कत है। वो क्या आदमी ये बोल रहा है कि तुम सड़क के ऊपर शॉर्ट्स पहन के मत चलो, वो क्या ये बोल रहा है, नहीं बोल रहा ना, तुम पहनो तुम्हें जो पहनना है, लेकिन मंदिर में जाते वक्त उसके ट्रेडिशन, उसके जो नियम है उनको फॉलो करो ना यार। यार अजीब हो गई है दुनिया बस, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर बोल दिया बस, हाँ पकड़ दो यार, लेकिन ये नहीं देखेंगे वही वो जा कहाँ रहे हैं कपड़े पहन के। यार कुछ तो कॉमन सेंस रखो ना यार, क्या करते जा रहे हैं कुछ नहीं पता है, बस हमें दिखाना है, बताना है कि भाई इस मंदिर में नहीं जाना, यहाँ बस लूटने का काम हो रहा है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। कमाल हो गया ना यार। तो यार जाके वीडियो देखना, खुद डिसाइड करना कि भी क्या है। वहां मैंने वीडियो देखी और कुछ कमेंट मैंने वहां पे पढ़े थे, तो कुछ अच्छे कमेंट थे, कईयों ने एक्सप्लेन कर रखा था कि भाई आपने जो बोला कि आपकी आजादी के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है वो इंसान, वो ये बोल रहा है कि यहाँ की ट्रेडिशन है, यहाँ का आपको फॉलो करना ही पड़ेगा यार, फॉलो करो यार उस चीज को, अगर फॉलो नहीं करते हो तो क्यों जाते हो वहां पे, बस कैमरा लेके घुसना है वहां पे, घुस के वहां पर सारी चीजें दिखानी है, हमें बस क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट के पीछे पागल हो जाती है दुनिया, अब ये देखती नहीं है कि वहां पे क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है। कमाल हो गया यार, चीजों की भी एक लिमिट होती है। तो थोड़ा सा ना गुस्सा भी आता है यार इस चीज पे। अब कहेंगे कि यार एक लड़की के ऊपर गुस्सा और उसके ऊपर एक वीडियो बना दी, नहीं बात वो नहीं होती यार। अब उस वीडियो को देखने वाले 94,000 लोग हैं यार, अब शायद बढ़ भी जाएंगे, ठीक है, 94,000 लोग है, कहीं ना कहीं तो उनके माइंडसेट में ये एक इफेक्ट पड़ता है कि उस लड़की के 1,54,000 या 64,000 सब्सक्राइबर हैं, उन सब्सक्राइबर के ऊपर वो एक क्या मैसेज सेंड कर रही है यार, क्या बता रही है उनको, एटलीस्ट जो हमारा कल्चर है उसके बारे में अच्छी चीजें तो बताए ना, क्यों बिना वजह का उसे वहां पे ये कहा जा रहा है कि कौन होता है वो मुझे कहने वाला कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, जबकि उसे ये कहना चाहिए कि मुझे प्राउड है अपनी कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे, अपने भारत पे, कि मुझे यहाँ पर ऐसे जाना है, उस चीज को दिखाए यार। वो क्यों वो नहीं दिखाते हैं,
खुद डिसाइड करो यार, देखिए वीडियो जाके वहां पे, और कोई उल्टा गलत नहीं बोलना है भाई मेरे, ठीक है चीजें, कोई मैं नहीं कहता कि गलत, मैं तो चीजें कहता हूँ कि यार समझो उन चीजों को, इज्जत करो उन चीजों की, जो इस देश में हो पैदा, इस देश में हो, इस देश की इज्जत करना भी सीखो यार। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।